हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम कर रहे हैं आरएएस मेंस 2018 के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़, और इसमें हम वेरियस सब्जेक्ट से जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टैक्स से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें लगते हैं कि 2018 के मेंस में इस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ आंसर राइटिंग के लिए। आप चाहें तो वो आंसर लिख के मुझे मेल भी कर सकते हैं। लास्ट में मैं अपना मेल आईडी भी प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कुछ लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और बहुत लोग जो आंसर लिख रहे हैं उनमें मुझे इम्प्रूवमेंट देखने को भी मिल रही है। मतलब कुछ लोग 2-4 दिन में ही इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस होती जा रही है। तो अपना जो आंसर राइटिंग है उसको जारी रखिए 2018 के मेंस तक, दिसंबर तक, 23-24 दिसंबर को जो आपका मेंस हो जाए उसके बाद बेसिक छोड़ देना आप लोग। लेकिन उससे पहले एटलीस्ट आप लोग कंटिन्यू रखिए उस चीज़ को, चाहे आप लोग खुद से कीजिए, चाहे आंसर लिख के मुझे सेंड कीजिए, जैसा भी आपको उचित लगे आप लोग कीजिए। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों से पूछनी थी, क्या कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि आरएएस मेंस 2018 के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, ताकि जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम वहाँ पर डिस्कस कर सकें, और जो आपके डेली का पीडीएफ है वो भी मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा सकूँ। तो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवा दूँगी, फिर उसके बाद हम अपना ग्रुप बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जितने भी लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि हम लोग भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, तो एक कंपटीशन की फीलिंग आती है, एक दूसरे के साथ लोग कंपीट करते हैं तो एक अच्छी इम्प्रूवमेंट होती है उसमें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन से, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट कर दिया ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी ओवरशूट दिवस क्या है, या व्हाट इज़ अर्थ ओवरशूट डे। अब यहाँ पे देखिए, आप जो मान लीजिए आपको एक साल में 100 यूनिट नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, और वो 100 यूनिट आपने यूज़ कर लिए, मान लीजिए कि आपने 8 महीने में वो 100 यूनिट रिसोर्सेज यूज़ कर लिए, तो उसके बाद जो यूज़ करेंगे आप वो एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब जो आपको उपयोग करना था जितना रिसोर्सेज का एक साल में, वो आपने पृथ्वी के सारे रिसोर्सेज 8 महीने में ही यूज़ कर लिए एक साल की बजाय, तो 4 साल जो है आपका बजट जो है वो एक्स्ट्रा रहा उन रिसोर्सेज के ऊपर, आपने एक नेगेटिव जोन में आप वहाँ पे चले गए। तो जिस दिन आपने ये 100 यूनिट यूज़ कर ली उस दिन को हम क्या कहेंगे, वर्ल्ड्स ओवरशूट डे। यानी अब इससे आगे आप जो है एक्स्ट्रा जितना आपको साल के लिए प्रोवाइड किया गया था उससे एक्स्ट्रा अब आप यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें बस यही है, आपको एक जो लैंग्वेज है वो देखिए यहाँ पे, कि मनुष्य द्वारा वर्ष भर में इस्तेमाल किए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों की ये माप है करने हेतु अर्थशास्त्री एंड्रयू सीमस द्वारा पृथ्वी ओवरशूट का विचार प्रकट किया गया था। तो यहाँ पे एंड्रयू सीमस जो हैं उन्होंने इसके लिए विचार प्रकट किया था। प्रत्येक वर्ष जब संसार प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के संदर्भ में पर्यावरणीय दृष्टि से ऋणात्मक स्थिति में आ जाता है तब पृथ्वी ओवरशूट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वही आप बस लैंग्वेज का थोड़ा फ़र्क है, हम सिंपल लैंग्वेज में बोल के बता दिया, ये लिखने में लैंग्वेज थोड़ी इन्होंने डिफ़िकल्ट सी लग रही होगी आपको, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं शायद उनको इस तरह से लिखने की आदत है। तो फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पर्यावरणीय दृष्टि से एवं प्राकृतिक संसाधनों की पहुँच की दृष्टि से जितनी मात्रा में मानव को इनका इस्तेमाल करना चाहिए था, वस्तुतः मनुष्य उस सीमा को प्राप्त कर चुका है। यानी आप उस सीमा को प्राप्त कर चुके हैं जितना आपको यूज़ करना चाहिए था। इसके बाद जो आप यूज़ करते हैं, इन संसाधनों का उपयोग करते हैं, उतना हमारे भविष्य के लिए निर्धारित जो वार्षिक कोटा हमारा है उससे अतिरिक्त का उपभोग आप करते हैं। और इस साल जो ओवरशूट दिवस है वो कब मनाया गया था, 1 अगस्त 2018 को इस साल का अर्थ ओवरशूट दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के उद्देश्य और विशेषताएं बताइए, या फिर डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018।
तो यहाँ पे सबसे पहले की ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं पॉलिसी के। जैसे हाउसिंग फॉर ऑल, वैसे ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, सबसे पहला उद्देश्य तो यही है इस पॉलिसी का। फिर दूसरा उद्देश्य है कि हम 4 मिलियन एडिशनल जॉब्स क्रिएट करेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर में। नेक्स्ट, 2017 में जीडीपी की ग्रोथ रेट थी 6%, और इस साल जो है ग्रोथ, इस पॉलिसी के तहत ग्रोथ रेट जो है इंक्रीज करनी है 8%। तो जो एडिशनल 2% जो ग्रोथ रेट है वो कहाँ से आएगी? डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर से आएगी। नेक्स्ट है जो यूएन, यूनाइटेड नेशन की एक इंडेक्स एजेंसी है, आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और ये एक इंडेक्स देती है हर साल, आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स। उसमें इंडिया को टॉप 50 नेशन में लेके आना, और 2017 में हमारा रैंक था 134। नेक्स्ट है इन्हेंसिंग इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वैल्यू चेन। जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें इंडिया की कॉन्ट्रीब्यूशन को इन्हांस करना। नेक्स्ट, इंश्योर करना इंडिया की डिजिटल सॉवरनिटी को। और ये सब ऑब्जेक्टिव कब तक अटेन करने हैं? 2022 तक हमें ये सब ऑब्जेक्टिव्स इस पॉलिसी के तहत अटेन करने हैं। नेक्स्ट करते हैं फीचर्स ऑफ द पॉलिसी। अब फीचर्स में क्या है कि हमें यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवानी है हर एक सिटीजन को, जिसकी स्पीड होगी 50 Mbps। नेक्स्ट, प्रोवाइड 1 Gbps कनेक्टिविटी टू ऑल ग्राम पंचायत्स बाई 2020, और ये स्पीड फिर बढ़ा के 10 Gbps कर देंगे 2022 तक। फिर नेक्स्ट विशेषता क्या है? इंश्योर कनेक्टिविटी टू ऑल अनकवर्ड एरिया, जो हिली टेरेन्स हैं, डेजर्टेड एरियाज़ हैं, जितने भी अनकवर्ड एरियाज़ हैं उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, $100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर में अट्रैक्ट करना। नेक्स्ट, हमें ट्रेन करना है 1 मिलियन मैन पावर को फॉर बिल्डिंग न्यू एज स्किल्स। डिजिटल सेक्टर में हमें 1 मिलियन लोगों को ट्रेन करना है। और एक्सपेंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम टू 5 बिलियन कनेक्टेड डिवाइसेस। नेक्स्ट, एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन रिजिम इस्टेब्लिश करना डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए, जो कि सेफगार्ड, यानी सेफगार्ड प्रोवाइड करवा सके किसके लिए? प्राइवेसी, ऑटोनमी और चॉइस ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए। और नेक्स्ट फीचर क्या है पॉलिसी का? फैसिलिटेट इंडियाज़ इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल डिजिटल इकोनमी। नेक्स्ट, इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी थ्रू अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू अश्योर सिटीजन्स ऑफ सेफ, यानी यहाँ पे आपको ऐसे अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाने हैं ताकि सिटीजन जो हैं खुद को सेफ फील करें। और यहाँ पे मतलब एक अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे सिटीजन्स को, और यहाँ पे सिक्योर डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड की जाएगी और सिक्योर डिजिटल कम्युनिकेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये सब जो है हमने फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स किए हैं डिजिटल, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 के। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जो आपको मुझे लिख के सेंड करने। राइट ए नोट ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स: वाटर फुटप्रिंट्स, जेनेरिक ड्रग्स, आदित्य मिशन, एल्गल फ्यूल्स। तो इन सभी के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, और ये आपको मुझे मेल करना है nehra.anju@gmail.com पे। ओके, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।